हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चेंबूर के वरिष्ठ दलित नेता बाबा साहेब बनसोड़े आखिरकार क्यों रो पड़े, ये बात आप भी तो जानिए। मुंबई का उपनगर चेंबूर के लोखंडे मार्ग से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेंबूर विधानसभा 173 के आरपीआई ए के उम्मीदवार दीपक निकालजे के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे लोखंडे मार्ग प्रभाग विभाग क्रमांक 152 के पूर्व नगर सेवक और वरिष्ठ दलित नेता बाबा साहेब बनसोड़े ने लोखंडे मार्ग के अपने निवास स्थान पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा, ये हम उनसे ही आपको सुनवाते हैं। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आप हैं चेंबूर लोखंडे मार्ग वार्ड क्रमांक 152 के पूर्व नगर सेवक बाबा साहेब बनसोड़े जी। मैं आज उनके आवास पर लोखंडे मार्ग में हूँ, क्योंकि उन्होंने दीपक भाव निकालजे जो चेंबूर विधानसभा 173 के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की तरफ से 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कल पूरे दिन बनसोड़े साहब दीपक निकालजे जी के चुनाव प्रचार में उनके रथ पर पहली सीट पर बैठकर उन्होंने प्रचार किया था और उनके पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की थी। मैं दीपक भाव निकालजे के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं थोड़ा सा कैमरा मैं बाबा साहब बनसोड़े जी के आवास पर ले जाना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को जो इनसे पूरी तरह परिचित हों। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ठीक बाबा साहब बनसोड़े के पीछे एक दुर्लभ चित्र जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, आप देख रहे होंगे ऐसी तस्वीर बिल्कुल कम मिलती है, रेयर है ऐसे जगह पर ऐसी तस्वीर मिलती है। उसके साथ ही एक तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध, उनके ठीक बाजू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, उनके ठीक बाजू में एक पगड़ी में तस्वीर आप देख रहे होंगे बाबा साहब बनसोड़े के स्वर्गीय पिताजी न्यानू बनसोड़े जी की है। उनके बारे में भी थोड़े से शब्दों में मैं परिचय देना चाहता हूँ कि वो अपने हयात में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चलवली में शामिल रहे और उनकी खासियत ये रही कि बाबा साहब अंबेडकर को इस कदर वो मानते थे कि रात को सोते समय उनकी एक तस्वीर अपने सर के पास रखते थे, क्योंकि उठते ही सुबह वह चाहते थे कि मैं जब भी उठूं मेरी आँख जब भी खुले तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के अलावा मेरे सामने मेरी नज़रों के सामने कोई भी व्यक्ति न हो। जो 5 साल तक नगर सेवक रहा उस नगर सेवक के की पत्नी यहाँ कैमरे में दिखाई देंगी, यहाँ बैठी हुई है। कुछ चंद बर्तन आप देख रहे होंगे जो ऊपर चंद बर्तन कलसी रखी गई है, एक पुराना कपाट आप देख रहे होंगे, ये जो पुराना बरसों पहले का रखा हुआ कपाट एक है, और बाबा साहब बनसोड़े के पास एक हैंगर तक नहीं है कि जो अपने कपड़े भी ठीक तरह से रख सके, इसलिए दीवार में उन्होंने कुछ चंद पैंट और चंद शर्ट दीवार में टांग रखा है। मुझे ये सब क्लिप दिखाने का एक ही तात्पर्य है कि बाबा साहब बनसोड़े की ईमानदारी की कहानी उनका घर कह रहा है कि जो व्यक्ति 5 साल तक एरिया में नगर सेवक रहा उसकी घर की दशा आज भी ऐसी ही है। तो ऐसे ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाले बाबा साहब बनसोड़े से मैं चंद सवाल करूंगा दीपक भाव निकालजे के बारे में। बाबा साहब बनसोड़े साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में।
और मैं जानना चाहता हूं कि दीपक भाऊ निकाल जी के चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं, जबकि इससे पहले तक आप वंचित बहुजन वंचित अघाड़ी में थे, और अचानक कैसे कल आप उनके रथ पर सवार होकर लोगों से मतदान किया, आप इसके बारे में हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। अच्छा, मैं दीपक भाव निकाल जी को कई वर्षों से जान रहा हूं। 2007 में कॉरपोरेशन के चुनाव में दीपक भाव के वजह से रामदास आठवले के पार्टी में आरपीआई में हम दोनों भी काम करते थे, लेकिन 2007 में दीपक भाव निकालने के वजह से 3 कॉरपोरेटर चुन के आए, एक मैं बाबा साहब बनसोड़े, दूसरा गौतम सावले और राजेंद्र वाघमारे की फैमिली, ऐसे हम 3 लोग चुन के आए हैं कि करामत अपना दीपक भाव को निकाल चुका है। दीपक भाव निकाल चुके वजह से हम 3 कैंडिडेट चुन के आए हैं। ऐसे ये बड़ा नेता है, नेता नहीं हो के उन्होंने 3 कॉरपोरेटर चुनने के लिए बहुत बड़ी जान की कुर्बानी दी है, और हम लोग उनके वजह से ही कॉरपोरेटर बन गए हैं। अगर ऐसा ये माहौल रहता था और आगे तो हम लोग और आगे जाते थे, मगर बीच में हम लोगों ने आरपीआई को छोड़ दिया, दीपक भाव ने भी आरपीआई छोड़ दिया, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में गया, दीपक भाव जी निकाल जी ने सेपरेट अपना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पक्ष स्थापन किया, और उनके तरफ से वो अभी अपना कार्यभार सह लेके जा रहे हैं, और अभी वो लोग खुद उनके आरपीआई की वजह से उनके आरपीआई की पार्टी की तरफ से खुद के पार्टी की तरफ से वो अभी चुनाव में खड़े हैं। तो हमने सोचा कि अरे अपने को तो ये आदमी की वजह से अपन चुन के आए हैं 2007 में, और उनका जो अपने ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है वो कर्ज चुकाने के लिए अभी मैं उनके साथ हूँ, वो कर्ज चुकाने मेरा काम है, वो कर्ज चुकाने के लिए मैंने कोई पार्टी का ये नहीं किया, वंचित को भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को ये दीपक भाव निकाल जी ने 2007 में खुद का सब खर्चा पानी करके मेरे को चुन के दिया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनका निवेदन कर रहा हूँ कि दीपक भाव निकाल जी को इस टाइम में भारी प्रचंड वोटों से उनको चिन्ह को चुन के दे दो, तभी अपना अम्बेडकरी विचार का एक बहुत बड़ा ये यहाँ एक पैगाम तैयार हो जाएगा, और दीपक भाव निकाल जी के सिवा इस चेंबूर का विकास होने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, चेंबूर को सभी जाति धर्म के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो विकास करने वाला है वो खाली दीपक भाव निकाल जी करेगा, इसके पहले जो आमदार खासदार हो गया वो लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन दीपक भाव निकाल जी अपना सब चेंबूर का विकास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको मैं कसम के साथ बोल रहा हूँ, और मेरे को कहना है कि आप सब लोग यह बाबा साहब अम्बेडकर विचार को आगे लेके जाने को दीपक भाव को प्रचंड वो से चुन के दे दो, यही मेरी यह है यही मेरे आपको प्रार्थना है, आप सब लोगों ने इस टाइम में दीपक भाव को प्रचंड वोटों से चुन के दो, इतना मैं आपको विनंती कर रहा हूँ।